सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन पिटारा। मैं आपका दोस्त हूं अभिषेक। एज यूजुअल, जैसे हमने वादा किया था, आपके लेके आ गए हैं दूसरी वीडियो आरआरटीएस की। इसमें आपको दिखाएंगे मोदीनगर से लेके प्रतापपुर तक का फेज। मेरठ अंदर नहीं जा रहे हैं, मेरठ का जो अंडरग्राउंड टनल का पार्ट है वो 8 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का है, जिसको बनाने में काम स्लोली प्रोग्रेस में है। सो जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है वो हम थर्ड वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको दिखाएंगे हम मोदीनगर से लेके आपका प्रतापपुर मेरठ तक का पार्ट। सो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हम मोदीनगर से अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। आपको दिखाया, ये मोदीनगर का बाहर का एरिया है, यहाँ से बननी शुरू हुई है। कुछ फेज़ में अंदर भी काम चल रहा है, लेकिन प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट है। जहाँ पर तहसील है मोदीनगर के आउट, वहाँ से ये काम शुरू हो चुका है। कुछ जगह पिलर बन चुके हैं, कुछ जगह पिलर बनने के बाद उन पर पटरी बिछ चुकी है। देर ना करते वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पिलर्स खड़े हुए हैं। ये मोदीनगर का बाहर का एरिया है और हम चल रहे हैं अभी मेरठ की तरफ को। चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो हमारी वीडियो में आपको शेयर करते हैं, जो आपको दूसरी वीडियो में प्राप्त नहीं होगी जानकारी। ये आरआरटीएस का जो प्रोजेक्ट है, ये स्पेसिफिकली केवल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए नहीं है। करंटली गवर्नमेंट 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, इसकी आपको जानकारी देते हैं। ये पहला फेज़ का पार्ट है जो इस पर काम चल रहा है। सेकेंड फेज़ भी इसमें आने वाला है और दिल्ली को मल्टीपल आपको स्टेट से कनेक्ट किया जा रहा है वाया दिस आरआरटीएस प्रोजेक्ट। देखिए, पहला प्रोजेक्ट रनिंग मोड पर है, दिल्ली टू सोनीपत और पानीपत। ये 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो अभी चल रहा है। दूसरा है आपका दिल्ली से गाज़ियाबाद मेरठ, मतलब दिल्ली से गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ जाना 90 किलोमीटर। तीसरा है दिल्ली से गुड़गांव होते हुए रिवाड़ी होते हुए अलवर, 180 किलोमीटर का प्रोजेक्ट जो अभी करंटली रनिंग मोड पर है। ये 3 प्रोजेक्ट अभी इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। सेकंड फेज़ जब आएगा, जब ये पूरा हो जाएगा इन पे काम, तो अगला प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट रनिंग मोड पे किया हुआ है वो है दिल्ली से फरीदाबाद को कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ बल्लभगढ़ होते हुए पलवल जाएगी। दूसरा फेज होगा गाज़ियाबाद से खुर्जा के लिए। नेक्स्ट होगा दिल्ली से बहादुरगढ़ होते हुए रोहतक जाएगी, इसका डिस्टेंस अभी मेंशन नहीं है। गाज़ियाबाद से हापुड़, दिल्ली से लेके शाहदरा होते हुए बड़ौत। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट रनिंग मोड पर हैं, जल्दी ही आने वाले हैं और आप देखेंगे दिल्ली से कनेक्ट होती हुई आरआरटीएस के मल्टीपल प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में। चलिए आपको एक जानकारी और देते हैं कि जो अभी करंटली रनिंग मोड पर है दिल्ली टू गाज़ियाबाद टू मेरठ का ये आरआरटीएस का प्रोजेक्ट, इसमें कितने स्टेशन होने वाले हैं और कहाँ कहाँ होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली से स्टार्ट होकर, तो दिल्ली में पहला स्टेशन होने वाला है सरायकेला। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगी दिल्ली से बनकर। उसके बाद होगा आनंद विहार। आनंद विहार के बाद आप आएंगे साहिबाबाद में, फिर गाज़ियाबाद स्टेशन होने वाला है। नेक्स्ट होगा इसका गुलधर, गाज़ियाबाद से बाहर निकलते हुए। नेक्स्ट होगा दुहाई, अगला होने वाला है मुरादनगर। नेक्स्ट इज मोदीनगर, फिर आता है मेरठ साउथ। नेक्स्ट होगा शताब्दी नगर, अगला होगा एचआरएस चौक, ये मेरठ का पार्ट है सभी। बेगमपुर होगा अगला, फिर मेरठ नॉर्थ होगा, मोदीपुरम होगा और नौचंदी और शास्त्री नगर। तो आप ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट जो मेरठ में होगी वो मोदीपुरम से ही होगी मेट्रो। ये पहला स्टेशन होने वाला है मेरठ में आपका। ये थे स्टेशंस जो आप कवर करेंगे, जितने में स्टॉपेज होने वाले हैं, और दुहाई बनेगा इसका होल्ट। इतनी जानकारी इसमें बताया मैंने आपको। यहाँ से पटरी बिछने का काम भी शुरू हो चुका है।
ये आ गए हैं मोहिद्दीनपुर। अभी हम यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे, मोहिद्दीनपुर निकल सकते हैं और स्ट्रेट चल रहे हैं अभी हम मेरठ की तरफ को। पिलर्स प्रिपेयर्ड हैं, जल्दी ही इन पे पटरी बिछने का काम शुरू हो जाएगा। ये काम चल रहा है, वो चल रहा है फेजेस में। जहाँ पे थोड़ी क्रिटिकल है वहाँ पे काम अभी धीरे धीरे चल रहा है, जहाँ पे काम इजीली हो सकता है वहाँ स्मूथली चल रहा है। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्पीड से काम किया है। पॉसिबिलिटी है 2023 तक का जो फेज़ है आपका, दुहाई से लेकर साहिबा तक का, गवर्नमेंट जल्दी ही से हैंड ओवर कर देगी 23 तक। सो होप सो यही फेज़ आपका जो मेरठ का पार्ट है ये भी जल्दी ही कवर हो जाएगा। सबसे कमाल का जो होने वाला है मेरठ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत में ही प्रतापपुर का जो पुल पड़ता है फ्लाईओवर, ये इसके ऊपर को निकलेगी। जो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना है ये इसके ऊपर को जाएगी। वो पिक्चर भी दिखाने वाले हैं आपको हम, वो बहुत ही क्लासिक लुक होगा। आपको इंटरनेशनल लेवल की ये चीज़ बनाई जा रही है RRTS। जब ये पुल के ऊपर निकलेगी तो बहुत ही जादू सा प्रतीत होगा उसमें। वो चल रहे हैं अभी उसकी तरफ को अग्रसर हम, अभी वीडियो में बने रहिए आप। जो मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है जो रनिंग मोड पर है अभी। मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए हैं और काम जारी हैं। इवन दो कोरोना ने भारतीय इकोनॉमी की रीड को डाउन किया है, बट स्टिल सड़कें, इकोनॉमी और ट्रेन और सर्विस के लिए लोगों की गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। अब हम नियर टू मेरठ ही हैं और आपको दिखाने वाले हैं मैजिकल प्लेस। देखिए मेरा, मेरे राइट में देखेंगे यहाँ पिलर बन के रेडी हो चुके हैं। इसके पुल के पास से पिलर बने हैं और ऐसे आगे चलेंगे वीडियो में हम, आपको दिखाई देगा। यहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगी और इस जो फ्लाईओवर बन रहा है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे को जोड़ता है आपका, इसके ऊपर निकलेगी। बहुत ऊँचे पिलर बनाए गए हैं, देखिए कितना अभिभूत करने वाला ये उस समय भी बन के रेडी होगी। ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नज़ारा इसके, ये हम दिखा रहा हूँ फ्लाईओवर, इसके ऊपर को जाएगी ये। ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, यहाँ पर आप जा सकते हैं लेफ्ट लेकर, सीधे जाएंगे निकल सकते हैं आप हरिद्वार के लिए, और पुल के नीचे राइट लेंगे तो आप निकल जाएंगे मेरठ के लिए। ये प्रतापपुर चौक बोला जाता है इसको, यहाँ पर करंटली अभी हम हैं। सिटी में जाने के लिए आपको नीचे बॉक्स आएगा, वहाँ से आप राइट लेंगे और पुल क्रॉस करेंगे तो आप मेरठ के लिए जा सकते हैं। वहीं पर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है दिल्ली में, दिल्ली टू मेरठ का, और यहाँ की वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी ही, आपको दिखाएंगे उसमें कितना खूबसूरत बनाया गया है इसे। ये बॉक्स है फ्लाईओवर के नीचे का, यहाँ से राइट लेंगे तो आप मेरठ सिटी में एंट्री कर सकते हैं। इस फ्लाईओवर के ऊपर डायरेक्टली आप निकल सकते हैं देहरादून के लिए, ऋषिकेश के लिए, हरिद्वार के लिए। नीचे आ गए अभी हम मेरठ की तरफ को आ गए हैं अभी हम। हम मेरठ के कुछ प्रतापपुर के एरिया का पार्ट दिखाएंगे आपको, कहाँ जहाँ तक काम चल रहा है। ये पहला फेज़ यहाँ पे काम जारी है अभी,
अभी यहाँ पे काम स्लो मोड पे चल रहा है। अभी देख गड्ढे यहाँ पे हो रहे हैं और ये मशीन है जो गड्ढे कर रही है यहाँ पर। यहाँ से काम स्लो है, मेरठ का ही फिर अभी डिफिकल्ट होने वाला है जो हैंड ओवर होगा, उससे लेट यही होगा हैंड ओवर जो होगा, फर्दर पार्ट जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए पिलर्स का स्ट्रक्चर सबसे अलग है मेरठ में, तीनों तरफ से पिलर बनाए जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आई थिंक आप देख रहे होंगे इसे अच्छे से। चलिए चलते हैं आगे तरफ को, दिखाते हैं आपको। सो यहीं से अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं। मेरठ के अंदर का पार्ट आपको तीसरी वीडियो में लेके आएंगे। स्टे ट्यून, वेट की, जल्दी ही आपको दिखाते हैं थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज़।